प्यारे साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों अगर पहली बार आप जुड़े हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त को बहुत प्यार दीजिए। साथियों यहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कम्प्लीट पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास एक एक पॉइंट आपको मैं यहां पर करवा रहा हूं। साथियों आप इसलिए नोट्स बनाइए और विश्वास कीजिए, और विश्वास जो करता है साथियों उसी की जीत होती है, ये निश्चित रूप से आपको भी मानना है और ये बिल्कुल सत्य भी है। साथियों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है लौकिक गद्य साहित्य। साथियों आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने लौकिक पद्य साहित्य को पहले पढ़ लिया था, उसमें जितने भी राइटर आते हैं, जितने भी रचनाएं आती हैं, सब कुछ हम लोगों ने पहले इससे पहले कर लिया है। साथियों मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं, आप लोगों को नहीं अगर पता है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से एक एक चैप्टर को देखिए, एक एक लेक्चर को देखिए और नोट्स बनाइए। आपका हिंदी साहित्य का इतिहास का अगर एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर चला जाए तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आप खुद देख लेना, चाहे कहीं भी किसी भी एग्जाम में हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आता है तो इससे बाहर आपको नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। साथियों आपको बताऊंगा किन किन बुक से मैंने मेहनत करके ये मैं हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को लिखवा रहा हूं। आप लोगों को इसके लिए मैं खुद ये मान के चलिए कि पहले नोट्स लिखता हूं उसके बाद में आप लोगों को ये करवा रहा हूं, ठीक है साथियों। तो विश्वास कीजिए और लिखिए। लौकिक गद्य साहित्य की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले रचना आती है लौकिक गद्य साहित्य में राहुल वेल। आप सभी को पता होगा कि ये राहुल वेल जो है रचना, यहां से एक क्वेश्चन 100% बनता है, आपको सबको पता है ये चीज। तो लौकिक गद्य साहित्य में सबसे पहली बात करेंगे राहुल वेल रचना की। ये किसके द्वारा लिखी गई? रोड़ा कवि के द्वारा लिखी गई है। पहली बात तो यह है कि राहुल वेल का पहला क्वेश्चन यही बनता है कि राहुल वेल जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई, इसके राइटर कौन है, तो रोड़ा कवि इसके राइटर हैं। आगे बात करेंगे 10वीं शताब्दी में इसका रचना काल क्या रहा है, 10वीं शताब्दी इसका रचना काल रहा है साथियों। तो राहुल वेल किसने लिखी, रोड़ा कवि, और इसका रचना काल 10वीं शताब्दी रहा है, यह आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद में इसी से एक क्वेश्चन और बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार किसी भी कंपटीशन में इसको पूछ लिया जाता है। ये रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर रची गई थी। ये देखो ये रचना सबसे पहले किस पे लिखी गई थी, शिलाओं पर लिखी गई। तो शिलाओं पर लिखी गई रचना कौन सी है, राहुल वेल। शिलाओं पर लिखी गई रचना राहुल वेल है। तो आप इसको कैसे याद रख लोगे, राशि इस तरह से, राहुल वेल और सी से शिलाओं, इस तरह से याद कर सकते हो। तो राशि, राशि से याद हो जाएगा, राहुल वेल शिलाओं पर लिखी गई रचना है, हो जाएगी 100%। तो इस तरह से भी आप लोग कोड वर्ड बना करके आसानी से याद रख सकते हो। तो शिलाओं पर लिखी गई सर्वप्रथम शिलाओं पर लिखी गई रचना कौन सी है, राहुल वेल रचना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा गया है साथियों। आगे बात करते हैं, ये हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य रचना मानी जाती है। गद्य पद्य में मिश्रित रचना कौन सी है, राहुल वेल। इसकी विशेषताओं से भी क्वेश्चन बन जाता है, इनमें से राहुल वेल की विशेषता नहीं है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए विश्वास मानिए, आप नोट्स बनाइए, एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए जीवन वरदान साबित होगा पेपर के अंदर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं साथियों। इसलिए और ये जितने भी मैं करवा रहा हूं ना, जितना भी हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट का एक एक वीडियो के क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराऊंगा, आप देखना खुद भी, आपको पता लगेगा इस चीज के लिए, आप खुद महसूस करोगे, देख लेना। तो ये रचना सर्वप्रथम शिलाओं पर लिखी गई, ये हिंदी साहित्य की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना थी, अर्थात चंपू काव्य में लिखी गई रचना मानी जाती है सबसे पहले गद्य पद्य में, कौन सी, राहुल वेल रचना, जिसके राइटर कौन है, रोड़ा कवि जिसके राइटर है। चंपू काव्य चंपू शैली में लिखी गई रचना कौन सी है, वो है आपकी राहुल वेल। सर्वप्रथम शिलाओं पर लिखी गई रचना कौन सी है, वो है राहुल वेल। इस तरह से आप लोगों को याद होना चाहिए।
इसमें राहुल, ये देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, इसमें राहुल नामक नायिका का वर्णन है, अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया। अब राहुल वेल से तो आपको याद हो जाएगा, राहुल राहुल राहुल, ये राहुल नाम की एक नायिका थी, वैसे नायक का नाम आ रहा है नायक, लेकिन ये एक नायिका थी और इसका वर्णन इसमें किया गया है। पहले इसका वर्णन पद्य में, उसके बाद में गद्य में। सबसे पहले पद्य में वर्णन किया गया था, उसके बाद में इसका वर्णन गद्य में किया गया है। साथियों याद हो जानी चाहिए बात, सबसे पहले पद्य में और उसके बाद में गद्य में, इसलिए कहा जाता है कि चंपू काव्य शैली में लिखी गई रचना है। इसमें कौन है नायिका? राहुल नाम की नायिका का इसमें वर्णन किया गया है, पूरा नक्षिक वर्णन किया गया है साथियों, पूरा का पूरा वर्णन। आगे देखे नक्षिक सौंदर्य रूप में इसका वर्णन किया गया है, पूरा वर्णन किया है, उसको पूरे को ही वर्णित किया है। आगे बात करते हैं, हिंदी साहित्य में नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ भी इससे माना जाता है। हिंदी साहित्य में जो श्रृंगार परंपरा, नक्षिक वर्णन परंपरा, वो भी किससे मानी जाती है? इस राहुल वेल रचना से ही माना जाता है। तो कितने सारे क्वेश्चन बन गए साथियों, एक एक क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले राहुल वेल के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि है। कब लिखी गई? 10वीं शताब्दी में लिखी गई। इस सर्वप्रथम किस पे लिखी गई? शिलाओं पर लिखी गई। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। चंपू काव्य शैली में रचना लिखी गई। इसमें किस नायिका का वर्णन है? राहुल नाम की नायिका का वर्णन है और ये गद्य पद्य में लिखी गई रचना है। सबसे पहले पद्य में लिखी गई, बाद में ये गद्य में लिखी गई और राहुल वेल, राहुल नाम की जो नायिका है उसका वर्णन नक्षिक सौंदर्य रूप में इसका वर्णन किया गया है। और इस परंपरा को आरंभ, श्रृंगार परंपरा को आरंभ जो किया गया है वर्णन करने में, वो सबसे पहले राहुल वेल रचना से ही स्टार्ट किया गया है साथियों। हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए, मजे आ जाने चाहिए, मतलब ये मान लो आप। फिर देखिए प्रधान भाषा, अब इसकी जो प्रधान भाषा रही है, मुख्य जो भाषा रही है, वो कौन सी भाषा रही है? राजस्थानी के साथ साथ हिंदी की 7 बोलियों के शब्दों को प्राप्त किया है इसके अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से साथियों, लगा लो स्टार लगा लो, मैं फिर कह रहा हूं, ये देखो इसकी प्रधान भाषा कौन सी है? राजस्थानी। और राजस्थानी के साथ किसका वर्णन किया गया है? हिंदी का, लेकिन इसमें 7 बोलियों के शब्दों को लिया गया है। ये क्वेश्चन भी अनेक बार पूछा गया है साथियों, अनेक बार इस क्वेश्चन को लिया है, किसी भी कंपटीशन में इस क्वेश्चन को ले लिया जाता है, इसलिए याद हो जाना चाहिए। तो कितनी भाषाओं के शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया, कितनी भाषाओं के शब्दों को लिया? टोटल 7 भाषाएं। इसकी प्रधान भाषा कौन सी है? राजस्थानी है। इसके साथ हिंदी को भी लिया है और भी 7 भाषाएं, टोटल मिलाकर के 7 भाषाओं के शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन 100% याद हो जाना चाहिए। इसका शिलांकित रूप कहां पर है? मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। अभी जो शिलाओं पर रचना लिखी गई थी, तो इसका जो शिलांकित रूप है ये मुंबई म्यूजियम में अभी रखी गई है साथियों। हो जाएगी यार, इस कृति का भाग मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल संग्रहालय में प्रकाशित हुआ था। इस कृति का एक भाग जो है प्रिंस वेल संग्रहालय में प्रकाशित किया गया था, वहां पर लगाया गया है। अगली रचना आती है साथियों राहुल वेल के बाद में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सी रचना है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इस ये रचना का भी जो है ना राइटर, और इसको पूछ लिया जाता है, इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता। राहुल वेल को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में अगली रचना आती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है। इसके राइटर है पंडित दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना के रचनाकार कौन है? पंडित दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? पंडित दामोदर शर्मा। इसका जो रचना काल है वो है 12वीं शताब्दी। इसका रचना काल है 10वीं शताब्दी। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना का रचनाकार है पंडित दामोदर शर्मा, और इसका रचना काल है 12वीं शताब्दी। याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ये गोविंद चंद्र, यानी कि जो महाराज गोविंद चंद्र हुए थे, उनके सभा पंडित थे। कौन? पंडित दामोदर शर्मा जो है, जो महाराज गोविंद चंद्र थे, उनके सभा पंडित रहे हैं। ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका नहीं पूछा जाएगा। इसमें बनारस तथा आसपास का वर्णन किया गया है, जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है उसमें बनारस का वर्णन तो किया ही है, लेकिन उसके आसपास जो भी स्थान आते हैं उनका वर्णन भी उक्ति व्यक्ति पर। उक्ति का मतलब कहना, उक्ति का मतलब क्या होता है, बोलना, उक्ति का मतलब होता क्या है, कहना, तो उसका वर्णन इसमें है। ये व्याकरण से संबंधित रचना है। देखो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है पंडित दामोदर शर्मा ने लिखी, ये जो पंडित दामोदर शर्मा थे वो महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे, और ये इसका रचना काल 12वीं शताब्दी में था, और बनारस के आसपास, बनारस और बनारस के आसपास के स्थानों का वर्णन इसमें किया गया है, और व्याकरण से संबंधित ये रचना रही है साथियों। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर लौकिक साहित्य में, लौकिक साहित्य में भी यहाँ पर गद्य साहित्य में हम लोगों ने दो रचनाएं अभी करी है। इसमें अभी तीसरी रचना आती है, वो है वर्ण रत्नाकर। कौन सी रचना है, वर्ण रत्नाकर, जो देखते हैं अभी हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। देखो इसकी तीसरी रचना है वो है हमारी वर्ण रत्नाकर। कौन सी रचना है, वर्ण रत्नाकर। उसमें इसके जो राइटर है वो है ज्योतिश्वर ठाकुर। क्या नाम है उनका, वर्ण रत्नाकर जो रचना है उसके राइटर का नाम है ज्योतिश्वर ठाकुर। इसी तरह से याद करना है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के पंडित दामोदर शर्मा, तो वर्ण रत्नाकर के ज्योतिश्वर ठाकुर है। इसका रचना काल 14वीं शताब्दी में रहा। ये मैथिली के कवि माने जाते हैं। जो ज्योतिश्वर ठाकुर जो है वो किस भाषा के कवि है, मैथिली भाषा के कवि है साथियों, याद हो जाएगा। आगे इसको एक शब्दकोश कहा गया है, एक शब्दकोश लगता है बिल्कुल, कि जो वर्ण रत्नाकर जो रचना है एक शब्दकोश के समान मानी गई है, और एक एक गद्य पुस्तक है। जब शब्दकोश है तो गद्य पुस्तक होगी, इसे आप सभी को पता है। मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है इसको, वर्ण रत्नाकर रचना को मैथिली भाषा का विश्वकोश भी कहा जाता है, क्योंकि ज्योतिश्वर ठाकुर जो है वो मैथिली के कवि थे और इन्होंने लिखा मिथिला भाषा में, तो निश्चित रूप से उसको क्या कहा जाता है, जो गद्य रचना है उसको विश्वकोश कहा जाता है। कौन सी भाषा का, मैथिली भाषा का, ठीक है। एसाइटिक सोसाइटी के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, एसाइटिक जो सोसाइटी है उसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया, और इसके जो संपादक रहे हैं, किस रचना के, वर्ण रत्नाकर जो रचना है लिखी तो ज्योतिश्वर ठाकुर ने, लेकिन संपादित किसने करिए, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा और पंडित बबुआ मिश्र के द्वारा, दो थे इसको, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र, इन दोनों के द्वारा इसको संपादित किया है। इसमें 8 कलोल माने गए हैं, ये याद रखना ना, इसमें कितने कलोल हैं, 8 कलोल है, 8 कलोल का मतलब भाग है इसमें, कितने कलोल हैं इसमें, 8 कलोल इसमें माने गए हैं, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो राहुल वेल के रचनाकार कौन है, रोड़ा कवि है, याद हो जाएगी। इसके बाद में उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है, पंडित दामोदर शर्मा है, और वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है, ज्योतिश्वर ठाकुर है। इस तरह से साथियों आपको ये तीनों रचनाएं जो मुख्य रचना थी लौकिक गद्य साहित्य की, लौकिक गद्य साहित्य की जो तीनों रचनाएं थी मैंने आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पर लिखा दिए साथियों। तो इन सारी चीजों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो पहले मैंने जितने भी रचनाएं पढ़ाई आपको पूरी कंप्लीट करवा दी है, इसमें जितने रचनाएं थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आता है वो है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य। अब कौन सा आएगा, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य आएगा, जिसे हम लोग पढ़ेंगे साथियों अगले वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है साथियों तो जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्त को मोटिवेट कीजिए साथियों, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। साथियों विश्वास मानिए आपको मैं यहाँ पर ऐसे नोट्स उपलब्ध करा दूंगा, आपको कहीं किसी भी कोचिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वैकेंसी आ जाने दीजिए साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको दिन में 2 से 4 वीडियो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले रहेंगे। आप पूरा कंप्लीट नोट्स बनाइए और मजे से पढ़िए साथियों। हिंदी साहित्य के इतिहास की टेंशन मत कीजिए, हिंदी ग्रामर की आपको टेंशन नहीं करनी है। और मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर मैं इसी तरह के नोट्स जीके के भी करवाने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, साइकोलॉजी के नोट्स और प्लस साइकोलॉजी की प्रैक्टिस भी मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ साथियों। तो विश्वास के साथ पढ़ते रहिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत, थैंक यू।
एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लो साथियों।